राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि Hey.
ଆର ବର୍ଷ ଅନୁପମର ବିରହ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥିଲା। ସେମିତି କହିଲେ ହବାନି, ସେଟା ଥାଉ ନଅଟା ପରେ କରିବ। ସେ ସବୁ ଦୁଇଟା ଡବଲ ଧରିକି ଟାଣିକି ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ କରିବ, ତାପରେ ବାହାରେ ଯାଇ କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁବେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାଧିକାୟ ତଦାଲୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତାୟ ତଦଭକ୍ତାୟ ନମଃ ନମଃ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟିନେ କଳୌ କଳ୍ମଶନାଶାୟ ଜହ୍ନବାପତୟ ନମଃ ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟ ତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଗୌରଦ୍ୱିଷେ ନମଃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে। তবৈবাস্মি নজীবামি ত্বয়া বিনা ইতি বিজ্ঞায় রাধে তং নয় মাম চরণান্তিকম্। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম রাম। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुण भारत गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करित करो हे। उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षडग स्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज्य महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम पर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज जी अन्य वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में हाथों का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा। स्नान यात्रा आज के तिथि को भी जगन्नाथ जी के जन्म उत्सव कहा जाता है। भगवान प्राकट्य हुए थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी, और ये तिथि में ऐसे तो रोज ठाकुर जी स्नान करते हैं, दर्पण स्नान कहा जाता है, मदन मोहन जी विजय विग्रह कभी कभी स्नान करते हैं, जैसा चंदन यात्रा में चंदन सरोवर में चंदन कुंड में स्नान करते हैं, डूबके रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी आज जो तिथि में स्वयं दारु ब्रह्म रत्न सिंहासन छोड़ करके बाहर आते हैं रत्न वेदी में, कहा जाता है पतित पावन यात्रा। दो यात्रा प्रसिद्ध है, यद्यपि जगन्नाथ भगवान की अनेक यात्रा है, बारह महीना में तेरह पर्व है, उत्सव है, यात्रा है। जैसा चंदन यात्रा, दोड़ो यात्रा और स्नान यात्रा, गुंडीचा यात्रा, दमनक चतुर्दशी आदि अनेक अनेक यात्रा है।
उसमें प्रमुख दो यात्रा है, स्नान यात्रा और गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा। लेकिन ये दो यात्रा इसलिए प्रमुख और विशेष माना जाता है, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु दारु ब्रह्म रत्न सिंहासन छोड़ करके बाहर आते हैं, पतितों को दर्शन देते हैं और दर्शन दे करके पवित्र करते हैं। इसलिए ये दो यात्रा को ही स्नान यात्रा और रथ यात्रा को पतित पावन यात्रा कहते हैं, यानी पतितों को पावन करने के लिए स्वयं बाहर आते हैं। हर जगह देखा जाता है मूल विग्रह बाहर नहीं आते, विजय विग्रह ही बाहर आते हैं। लेकिन ये स्नान यात्रा और इसमें स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु मूल विग्रह बैठ छुगड़ चका छोड़कर सिंहासन छोड़कर के भक्तों के साथ मिलने के लिए आते हैं। अद्भुत कथा है, भक्त हर समय भगवान के पास जाते, लेकिन ये दो यात्रा में भगवान भक्त के पास आ जाते हैं। ये यात्रा में ठाकुर जी स्नान करते हैं, 108 कलसी जल में शीतल कुआं है वहां पर, शीतल क्या कौन से कुआं का नाम, रत्नकूप, शीतला देवी के पास है वो कुआं है, वहां से पानी ला करके 108 कलश में स्नान करते हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा सुदर्शन जी। ये विग्रहराज स्नान करने के बाद ठाकुर जी फिर, अद्भुत है वो, स्नान करने के बाद ठाकुर जी छेरा पहरा भी होता है, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर एक बहुत सुंदर श्रृंगार होते हैं वेश, जिनका नाम है गजो उद्धारण वेश, एक गजो गजानन वेश व हाथी वेश, एक गणपति भट्ट थे कहा जाता है, ओडिशा में एक ग्रंथ मिलता है दाढ़ेत्या भक्ति, दाढ़ेत्या मतलब दृढ़ता का भक्ति, एक भक्त थे महाराष्ट्र के गणपति भट्ट, अपना इष्ट गणपति बाबा को मानते थे, गणेश जी को, तो जगन्नाथ उन्होंने ब्रह्म पुराण में देखा कि ब्रह्म अभी जगन्नाथपुरी में है साक्षात रूप में, तो उन्होंने यहाँ पर आए और जब मंदिर गए उनका धारणा ये था कि ब्रह्म को दर्शन जिनको प्राप्त होगा वो तो साक्षात रूप में ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, जदगत्वा न निवर्त, वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने जब अंदर गए देखा तो सब कोई, सब लोग महाप्रसाद लेकर वापस आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किसको किए प्रसाद लेकर बाहर क्यों आते हैं, तो फिर ब्रह्म को तो दर्शन करने से बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे भी उन्होंने अंदर गए और जगन्नाथ जी को देख करके बाहर आ गए और प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि गणपति भट्ट जी ने, उन्होंने इष्ट गणेश जी को मानते थे, भगवान का स्वरूप गणपति स्वरूप है, तो इसलिए उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, बाहर आ गए। ठाकुर जी स्वयं आए, उनको समझाए, बोले देखो आप अभी फिर जाओ, गणपति रूप में देखोगे आप। तो उन्होंने उसी दिन फिर, अगला दिन उन्होंने जब आए, उसी दिन स्नान पूर्णिमा हुआ था, ठाकुर जी स्नान बेदी को आ गए थे, बड़दांड से दर्शन किए, ठाकुर जी हाथी वेश में है और इसी हाथी वेश की श्रृंगार देख करके, वेश को देख करके गणपति भट्ट प्रसन्न हुए और प्रणाम किए और वहाँ साक्षात रूप में कहा जाता है उनको साजुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। तो सारे उपासक के उपास्य है जगन्नाथ महाप्रभु, तो ये गणपति भट्ट के लिए ठाकुर जी गणपति, इसलिए आज तक भी ये तिथि पर कला हाथी और धला हाथी के, सफेद हाथी के रूप में बलदेव जी सफेद हाथी और जगन्नाथ जी काला हाथी के रूप में प्रकट होते हैं।
और आज की तिथि पर कहा जाते है बहुत बुरी प्रसाद, वहां पर स्नान विधि पे ही भोग लगता है, जिसमें जगन्नाथ जी स्वयं आज सुंड में खाएंगे और बहुत आज अच्छा अच्छा भोग लगता है। और स्नान विधि में ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो सुबह मंगल आरती भी यहाँ पर होती है, और ये पवित्र तिथि में भक्त लोग दर्शन करके अपना दर्शन करके कृतार्थ मानते हैं अपने को स्नान विधि में। लेकिन इस साल तो हो नहीं पाया, हम लोग पुरी में रहते हुए भी कर नहीं पाए, सख्या दर्शन मोबाइल पे ही हुआ, टीवी पे, और आप लोग भी ऐसे ही है सब लोग। तो अभी महाराज जी हम लोग को फिर श्रवण कराएंगे कि किस प्रकार और क्या जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर सुंदर कथा। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुराग सिंधु लाबण्य सिंधु रतिके केली सिंधु लाबण्य सिंधु रस मूर्ति कृपायक सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदय केली सिंधु। वृंदाई तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में मैं जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कद आज श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है, कद भगवान तो भगवान क्या स्नान करेंगे। ठाकुर जी को कहते नम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो विवा जह स्मरित पुंडरीकाख्यम स बाह्य अभ्यंतर सूचि। कहते भगवान को अगर कोई स्मरण करते हैं कहते उसका बाहर भीतर दोनों ही पवित्र हो जाता है, फिर भगवान को फिर क्या स्नान कराया जाए। इसलिए भगवान फिर ये स्नान क्यों करते हैं। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते अनुग्रहाय भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया। भगवान ये जो लीला करते हैं केवल भक्तों के ऊपर में अनुग्रह कृपा करने के लिए। इसलिए कहते आज भी भगवान का कहते आज जगन्नाथ जी का आविर्भाव का तिथि है। आज का दिन ही जगन्नाथ जी आविर्भूत हुए थे। आविर्भूत होने पर क्या होता है, भगवान भी स्नान करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराए जाते हैं। इसलिए
ब्रज में गाते हैं ना, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पिली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, मेरो गोपाला मेरो गोपाला, आ गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, मिली तेरी पगड़ी मतरों का ना ओआ ओआ, मतरों का ना ओआ ओआ, समझावे को नंदा बुआ, समझावे को नंदा, जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला, अनंत के आनंद भयो जय कन्हैया, अनंत के आनंद भयो, अनंत के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया, बोलो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया, अनंत के आनंद भयो, बोलो नंद के आनंद भयो, बोलो श्री नंद के लाला की। आज भगवान का जन्म तिथि होने का नाचे, ये भी एक उत्सव है, हैं जन्म तिथि में ये भी उत्सव, इसलिए जगन्नाथ जी की ये स्नान यात्रा जगन्नाथ जी को बताते, कहते ये स्नान यात्रा में क्या होता है, बोले जगन्नाथ जी को जब स्नान कराते हैं, अगूर कर्पूर चंदन तरह तरह का हाँ सुंदर सुंदर पानी में मिला करके जगन्नाथ जी को जब स्नान कराते हैं, फिर आज से जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है, फिर ठाकुर जी आज जाएंगे तो पूरा बुखार लीला में पड़ेंगे, फिर ठाकुर जी को 15 दिन तक ठाकुर का दर्शन नहीं, क्यों, ठाकुर जी को बुखार हो गया। अभी ठाकुर जी को बुखार होने पर फिर ठाकुर जी क्या खाते हैं, जैसे हम लोगों को बुखार हो जाए ना हम खिचड़ी खाते हैं, उधर तो खिचड़ी खाते हैं, फिर क्या खाते हैं, इसलिए फल मूल खाते हैं, दवा लेते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को भी दवा दिया जाती है, एक नाम उसका पांचन, क्या नाम है, पांचन है जगन्नाथ जी, अब इतना टेस्ट है ना बाबा रे, उसमें क्या क्या हाँ इलायची और उसमें क्या लवंग सुंदर सुंदर चीज दे करके, हाँ इसमें पन छेना फेना उसको सार फर दे करके मलाई दे करके क्या सुंदर बनता है, हम सोचते हैं अमृत कोई चीज जिसको खाओगे तो लगता है सचमुच से ये अमृत है, इतना टेस्ट उसमें, इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक पांचन खाते हैं, पांचन, और जैसे किसी व्यक्ति को बुखार होने पर यहाँ पर जैसे जगन्नाथ दाल भात मौर बेसर और जगन्नाथ जी खीर मालपुआ क्या क्या जगन्नाथ जी को छापान भोग 36 व्यंजन भोग लगता है, लेकिन जगन्नाथ जी 15 दिन तक केवल फल मूल खा करके अंदर में रहते हैं, और उनको जो सेवा करते हैं कौन सेवा करते हैं, उनको कौन सेवा करते हैं, इसलिए उसमें जो इसलिए विद्यापति की 2 पत्नी हैं, एक है उनकी एक सवर पत्नी और एक उनकी ब्राह्मण पत्नी, कहते उनका जो ब्राह्मण पत्नी है हैं, कहते उनको जो ब्राह्मण पत्नी वो 1 साल तक उनका गर्भ से जो बच्चे हुए, कहते वो 1 साल तक उनको ये सेवा पूजा करते हैं, लेकिन लेकिन आज से श्री जगन्नाथ जी को आज से लेकर के हैं जब तक जगन्नाथ जी वापस नहीं आते हैं, जो विश्वावसु का जो बेटी थी ललिता हैं, ये ललिता की कहती ललिता की औरत से जो बच्चे हुए हैं ये लोग 1 महीना तक ये पूजा करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये सबके सब अभी जो सेवा करते हैं उनको गोपी भाव से हैं, ये सबके सब गोपी भाव से
उनकी सेवा करते हैं, और दूसरे जो सेवा करते हैं उनको राज राजेश्वर लक्ष्मी भाव से पूजा करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को फल मूल खिलाएंगे। क्या सचमुच से जगन्नाथ जी को बुखार हो गया है? इसका तात्पर्य किया, तब ये श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वास्तव अर्थ को ये बताते। इसलिए कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आने से पहले लोगों का क्या धारणा है, जगन्नाथ जी क्यों जाते हैं मासीवाड़ी पोड़ो पिठा खाने के लिए? यहाँ के लोगों को बताओ क्यों जाते हैं जगन्नाथ जी इतना कष्ट कर? बोले मासीवाड़ी में जाते हैं पोड़ो पिठा खाने के लिए। लोग यही बोलेंगे हैं, पोड़ो पिठा खाने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वास्तव अर्थ, जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए इसका जो वास्तव जो तात्पर्य जो महाप्रभु ने ही प्रकाश किया है। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक क्यों सबको दर्शन नहीं देते हैं? कारण क्या है? ये 15 दिन तक क्या करते हैं? कहते 15 दिन तक उनका जब यहाँ जब जगन्नाथ पुरी मंदिर है इनको इसको द्वारका मानी जाती है, और गुंडचा मंदिर मानी जाती है वृंदावन। अभी कृष्ण रहते हैं द्वारका में, महिषियों के साथ में रहते, पटरानियों के साथ में। लेकिन अभी कृष्ण की इच्छा है साल में एक बार मैं वृंदावन में जाऊं, और वृंदावन में जाकर के सबसे जो मेरे को ज्यादा प्यार प्रीति करने वाले कौन है? कहती है ब्रजवासी, ये सबसे ज्यादा प्रीति प्रेम करने वाले, ये ब्रजवासियों का जो प्रीति इनका जो प्रेम है ये अकथनीय अवर्णनीय इनका प्रेम है, हैं? इसलिए कृष्ण विरह में ये लोग कृष्ण विरह में हर समय तड़पते रहते हैं। अभी कृष्ण की इच्छा है, क्यों? हर व्यक्ति चाहते हैं सबसे ज्यादा हमें जो प्रेम करता है ना, जिसको घर में जाने पर ज्यादा प्यार प्रेम मिलता है। क्यों? ये दुनिया प्रेम का ही भूखे हैं, जगत प्रेम का ही भूखे हैं। अगर प्रेम नहीं रहेगा ना दुनिया नहीं रहेगा। जब कोई जगत में किसको प्रेम नहीं करता है वो व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड कर देता है। हमें कोई प्रेम करने वाली नहीं, तो ये प्राण धारण करके क्या लाभ है? जब पत्नी प्रेम नहीं करे है, बच्चे प्रेम नहीं करे, पिता माता प्रेम नहीं करे, लास्ट में क्या करता है? बोले प्राण रख रहे क्या करना, सुसाइड, हाँ सुसाइड कर लेते। इसलिए दुनिया में प्रेम ही मूल है। इसलिए जगन्नाथ जी कृष्ण की इच्छा है जो मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं, जिनका प्रेम कैसे है? बोले त्रुटि जुगायते त्वामप सता कोटि लखो तला श्रीमुखं चते जड़ाउ दीक्षता बाक्ष्मती दृशाम कोटि लखो तला गोस्वामी कृष्ण के जब प्रेम माधुर्य, कृष्ण में चार विशेष माधुर्य है। चार माधुर्य में कौन सा माधुर्य है बोलो? क्या चार माधुर्य में क्या क्या विशेष चार माधुर्य है बोलो? अरे बोलो, कृष्ण में जो विशेष चार माधुर्य में कौन सा है? वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य। इसलिए यदि इनका प्रेम माधुर्य, इसलिए श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं प्रेम माधुर्य में। उनने दो उदाहरण दिया है, कहते एक तो ये श्लोक को उदाहरण दिया है, इसलिए त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम, ब्रजवासियों का प्रेम को उदाहरण देते हैं। कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, और जब कृष्ण बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, अभी ये बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी घर का सारे काम धंधा सब छोड़ देते हैं, छोड़ करके सबके सब बाहर निकल कर आते हैं और कृष्ण को दर्शन करते हैं। जब कृष्ण दर्शन करते हैं, कृष्ण का रूप कैसे है? उनको मुखारविंद जैसे कमल फूल है, और कृष्ण सर में जो घुंघराली कैसे है? जैसे मानो कमल के ऊपर में जैसे भौरा जैसे मंडराते हैं। जब उनको दर्शन करते हैं और उनका अंदर में जो गैया का खुर से जो धूल उड़ा, माने जैसे हम पाउडर लगाते हैं ना, मुंह में पाउडर लगाते हैं, राधा रानों को भी लगाते हैं, इसलिए पाउडर लगाते हैं और जैसे वो पाउडर जैसे हैं। इसलिए जब गोपियां दर्शन करती हैं, दर्शन करते समय
जब उनकी आंखों की पलक केवल झपती है, झपकती है, पता नहीं चलता है इतने तेजी से आंखों का ये पलक झपकती है, लेकिन उतना समय कभी कहते त्रुटि जुगायते त्वाम प्रसद्याम है। इसलिए ब्रह्मा को निंदा करते बोले ब्रह्मा तेरे को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर इतने प्यारे कृष्ण दर्शन करने के लिए दो ही आंख दे दिया, फिर उसे बीच बीच में ये पलक भी झपती है, ये पलक भी बीच में झपती है, हैं? इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है ना ये पलक को काट कर फेंक दो, भले उनका जीवन धन्य है जिनका आंख का पलक कभी नहीं झपती, क्यों? कृष्ण को टकटक लगा करके एक नजर से कृष्ण को दर्शन करनी चाहिए, हैं? इसलिए इसलिए कहते त्रुटि कहते माने एक कितना जुग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर, ऐसे उनकी प्रेम है। दूसरा प्रेम के उदाहरण दिया जब कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, कितना दिन तक रास किया बोले ब्रह्मा का एक दिन एक रात उनको रास किया है और 1000 चतुर्युग इतना समय तक उन्होंने रास किया, लेकिन गोपियों को पता क्या चला कि आज कैसे लगा, जैसे अभी अभी आए और अभी अभी समय चला गया, अभी आए और अभी समय चला गया है, हैं? इसलिए श्री रूप गोस्वामी ये दो चीज को उदाहरण देते हैं। इसलिए ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना इनको साथ में और किसी को भी, इसलिए जिस समय काली और कृष्ण को पकड़ लिया ब्रजवासी कृष्ण विरह में ये प्राण और नहीं धारण करेंगी, ये प्राण को काली हृदय में हम विसर्जन देते विसर्जन देते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी के देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो और द्वारकावासियों का प्रेम, कृष्ण जहाँ रहते हैं उनका प्रेम कैसे है। कृष्ण जब सेमंत मणि को ढूंढने के लिए जब उन्होंने गए, जब देखा एक रीच ने हैं, एक रीच ने उस सेमंत मणि को लेकर गुफा में गया, कृष्ण ने द्वारकावासियों को बोले यहीं पर तुम रुको और मैं अभी अभी आता हूँ, लेकिन कृष्ण अंदर में गए तो देखा जाम्बवान का बच्चा उस सेमंत मणि को लेकर के खेल रहा था। कृष्ण जब झपटने के लिए गए लेने के लिए, इतने में वो रो उठा, किसने जाकर जाम्बवान को बोल दिया, इतने में जाम्बान तृतीया जू का और कृष्ण द्वापर जू का, इतना बलवान जाम्बान, एक गदा मारा एक मुष्टिका घात मारा रावण का ना, इतना बलवान था रावण बेहोश होकर गिर पड़ा, इतने प्रताप इतने बलवान, और उनको साथ में 8 दिन तक लड़ाई हुई, 2-3 दिन तक तब रहे द्वारकावासी, उनको क्या लगा, लगता है कृष्ण मर गए, कृष्ण मर गए, बोले चलो कृष्ण को छोड़ करके वापस आ गए, कृष्ण को छोड़ करके वापस आ गए, कहती द्वारकावासियों का प्रेम है, हैं? इसलिए द्वारका प्रेम है, लेकिन ब्रजवासी कृष्ण विरह में प्राण को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हैं? कृष्ण विरह में हम प्राण को रक्षा करना नहीं चाहते ऐसे, इसलिए ये ब्रजवासियों का प्रेम है। इसलिए कृष्ण तरसते हैं साल में एक बार में ब्रज जाऊं और राधा रानी से मिलूं, हैं? राधा रानी से मिलूं, इसलिए राधा रानी का प्रेम कैसे है, हैं? राधा रानी का प्रेम कैसे है, कहते राधा रानी का प्रेम ऐसे है, किसने किसी गोपी ने कहा देखो राधे आज तो मैंने कृष्ण का संपूर्ण रूप को मैंने दर्शन किया, संपूर्ण रूप को मैंने दर्शन किया है, हैं? नख से लेकर के सर तक एकदम सुंदर से दर्शन किया। राधा रानी कहती तुम तो धन्य हो, तुम तो धन्य हो कृष्ण का संपूर्ण रूप दर्शन किया, लेकिन मैं तो जब कृष्ण का चरण में जब मेरी नजर पड़ती है ना उनके चरण में ही इतने आनंद इतने सुंदर है, इतने उनका चरण ही इतना सुंदर है, मेरे आंख तक चुंबक जैसे वहां पर ठगी के ठगी हैं, एकदम वहीं पर टिक जाती हैं, वहां से आंख मेरी हटती नहीं, वहां से आंख, ऐसे इनकी प्रेम है। अभी कृष्ण राधा रानी से मिल करके अभी अभी कुंज से गए, अभी अभी निकल रहे हैं, राधा रानी कहते ललिते ये कौन है इतने सुंदर, बोले अभी तो तेरे से मिल कर गए, बोले नहीं मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, मैं तो कभी इनके मिला ही नहीं इनसे, ऐसे ये ब्रजवासियों का इतने श्रेष्ठ प्रेम इनके हैं, इसलिए कृष्ण चाहते हैं साल में एक बार जाऊं और ये ब्रजवासी से मिलूं और उनका प्रेम का आस्वादन करूं। लेकिन जगत का क्या नियम है, एक व्यक्ति का अगर 2 पत्नी हो ना, अगर एक पत्नी को पता चले दूसरे पत्नी को पास में जा रहा है, फिर पत्नी क्या बोले, बोले वहीं पर रहना आने का जरूरत नहीं, रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, हैं?
टेढ़ी करके बात करेगी, बात नहीं करेगी। इसलिए श्री कृष्ण सोचते हैं जगन्नाथ जी, अगर लक्ष्मी को अगर मैं बोलूं ना, मैं वृंदावन से जाऊं, गोपियों से राधा रानी से मिलकर हो ही जाऊं, फिर लक्ष्मी तो मेरा खाना ही हराम कर देगी, हैं? या खाना ही हराम कर देगी, ठीक से खाना नहीं खिलाएगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, केवल 15 दिन केवल लक्ष्मी को मनाते रहते, 15 दिन इसका सर पर हाथ घुमाते, शरीर पर हार घुमा, तू बढ़िया हो, तू बहुत अच्छी हो, तेरे दिल बहुत बढ़िया है, हैं? तेरे हैं बढ़िया दिल है, इसको खूब उसको केवल 15 दिन अंदर में बुखार का बहाना बना देते हैं, बहाना बनाकर 15 दिन तक उनको केवल मनाते रहते हैं। जब 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी का फिर नवजौवन दर्शन होता है, जगन्नाथ जी बुखार से उठे, जगन्नाथ जी बुखार का बहाना बनाते, खाना पीना छोड़ देते नाटक करके, केवल लक्ष्मी को मनाने के लिए खाना पीना छोड़ देते को मेरे को बुखार हुआ है, हैं? लेकिन केवल जगन लक्ष्मी को एकांत में लक्ष्मी के साथ में रमण करते रहते हैं, उसको हैं उसको प्रसन्न करते रहते हैं। लेकिन जब फिर बुखार से उठते हैं, जगन्नाथ जी का नया श्रृंगार होता है, नवजौवन दर्शन होता है, जगन्नाथ जी कहते देखा 15 दिन तक तेरे पास में रहा, कहीं नहीं गया, किसको दर्शन नहीं दिया, और न डाल डालमा है जो क्या खीर चटनी महुर बेसर है मालपुआ कितना सब खाना छोड़ दिया, देखा है ना 15 दिन तक बुखार में पड़ रहा, फल मूल खाया, अरे मन अच्छा नहीं लगता है, चाहता हूँ एक दिन जाकर घुमाऊ, अब ब्रज से 1-2 दिन जाकर घुमाऊ। लक्ष्मी ने देखा बात सही, 15 दिन तक मेरे पास में रहे और कहीं खाना नहीं खाए, और उन्होंने ठीक है बोले कब आओगे, बोले आज जा रहा हूँ, कल घूम करके आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, बोले ज्यादा लेट नहीं करोगे तो, बोले एकदम लेट नहीं करूंगा, एकदम जल्दी जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, बोले तेरी कसम, बोले हाँ तेरी कसम है, हैं? इसलिए कसम खा करके लेकिन लक्ष्मी को नहीं ले जाते, अपना भैया और श्री भाई को ले जाते हैं। बोले क्यों, बोले लक्ष्मी वो जो ब्रज का जो भाव है ना, ब्रज भाव, वो लक्ष्मी नहीं समझ पाएगी, हैं? यहाँ पर तो चरण सेवा करती है लक्ष्मी, हर समय भगवान के चरण को गोद में लेकर बैठी रहती है, ये कहीं भाग नहीं जाए, हैं? लेकिन वहां पर क्या होता है, बोले स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम, है यहाँ पर तो जगन्नाथ जी हैं कि चरणों को सेवा करते हैं, वहां पर उल्टा जगन्नाथ जी करते हैं, राधा जी को मनाने के लिए क्या करते हैं, उनकी चरणों के ऊपर जगन्नाथ सर पर रख लेते हैं, बोले हे राधे तुम्हारी उदार चरणों को मेरे सर पर रख लो, तुम्हारी चरण तो बड़ी कोमल चरण, तू तो बड़ी दयालु है, इसलिए जत किं करिसु बहुस खलु काकवाणी नित्यं परस पुरुषस्य शिखण्ड मौले जस्या गदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केल कुंज भवनांग निवार्जनिसा। इसलिए वहाँ अलग है, हैं? वहां पर तो कृष्ण कुंजों के बाहर में हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं, काकुत मिनती करती है थोड़ी सी किशोरी जी की, राधा रानी के थोड़ा दर्शन हमें दे दो, वहां तो अलग प्रेम है, हैं? इसलिए के बापा बे वाके पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहेदार, इसलिए वहां पर प्रेम नदियां वहां पर उल्टी बहती है। इसलिए जगन्नाथ जी अपना भाई और बहन को लेकर के जगन्नाथ जी और क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जो भंडारा है ना, भंडारा है, ताला बंद कर देते हैं, लक्ष्मी को बोले 2-3 दिन के लिए खाना देते हैं, जल्दी जाऊंगा जल्दी वापस आ जाऊंगा, जगन्नाथ जी ताला बंद करके चाबी काठी साथ में ले जाते हैं, 2-3 दिन खाना नहीं। अभी लक्ष्मी देखा 1 दिन ही हो गया, बोले तो परसों आ जाएंगे, 2 दिन ही हो गया वापस आ जानी चाहिए, लेकिन जब देखा 3 दिन ही हो गया 4 दिन ही हो गया जगन्नाथ जी नहीं आए ना, का स्त्री का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर उसको पता चले मेरे पति और किसी दूसरे लड़की से प्रेम करते हैं, किसी दूसरे लड़की से बात करते हैं छुप छुप करके प्रेम करते, फिर देखो स्त्री का असली रूप फिर निकलेगा, हैं? वो तो तेरे सारा दुनिया में ढूंढरा पिटवाएगी, जिसको देखेगी ना उसको ही बोलते रहेगी, बोले जानते हो क्या करता है मेरे खसम, क्या करता है, बोले दूसरे से प्रेम कर लिया है, हैं? दूसरे से बात करता है, छुप छुप करके बात करता है, मिलता है, सारा दुनिया में वो ढिंडरा पिटवाती रहेगी वो। इसलिए लक्ष्मी भी क्या करती है, जगन्नाथ मंदिर में जाना कभी देखना, वहां पर जाकर के लक्ष्मी बाहर निकल कर आ जाती है अंदर से, तो जगन्नाथ मंदिर है ना वो देखना, बाहर लक्ष्मी बैठ रहती है सामने बाहर, और सबको बोलती रहती है जगन्नाथ जी
भंडारा में ताला लगा करके चाबी का ढी ले गए, मेरे को बोले दो दिन खाने दिया और चले गए और बोले परसों आ जाएंगे, अभी तरसों हो गया अभी तक आई नहीं है। और ये ब्रजवासी गोपियों के प्रेम में पड़ गए, लक्ष्मी सबको भिक्षा मांगती है वहीं पर बैठ करके, अब देखना वहां पर लक्ष्मी बैठी रहती है, है? जगन्नाथ जहाँ पर मंदिर गर्भ मंदिर से बाहर, और लक्ष्मी भिक्षा मांगती है कुछ कुछ दो, सारा दुनिया को जो खिलाने वाली और सबसे भिक्षा मांगती है, तो जगन्नाथ जी तो ताला बंद करके भंडारा बंद करके ले गए चाबी काटी, इसलिए सब लोग क्या करते लक्ष्मी को दान देते, इसलिए उस समय नियम है लक्ष्मी को, क्योंकि सारा दुनिया को वो देने वाली वही है, ये सब लोग जाकर के लक्ष्मी को सब डोनेशन देती है, सब पैसा देते हैं लक्ष्मी को, इसलिए। लेकिन जब देखती है 5 दिन हो गया अभी भी जगन्नाथ जी नहीं आए, फिर तो लक्ष्मी क्रोधित होकर के है अपना दल बल को लेकर के और पालकी में बैठ करके सजा धजा करके हीरे जवाहरात असरफियों से बड़े सुंदर श्रृंगार करती हैं, खुद पालकी को सजाती हैं, अपना गन को साथ में तमतमाती हुई बड़ी क्रोध से जाती हैं, जाकर क्या करती हैं जगन्नाथ जी का एक पहिया को तोड़ देती, इतने गुस्सा है, कहते स्त्री को जब गुस्सा आती है ना है, फिर जब गुस्सा आती है हाँ 2 दिन बोलकर इतना दिन हो गया पहले के पहिया को तोड़ देती है, तोड़ करके अंदर में जाती है सिंहासन पर बैठ जाती है और अपना दल वहां पर 2 दल होता है, क्योंकि उस समय में जो दल है वो सबके सब विश्वाबसु जो सबर है जो ये था बहेली उसका जो पत्नी ललिता की गर्भ से जो बच्चे हुए उनका दल जगन्नाथ जी की कहते वहां पर रहते गुंडीचा मंदिर, क्योंकि वो वृंदावन है वो वृंदावन है, इसलिए उनका जो पक्की अंश से जो जन्म हुए गर्भ से वो लोग रहते। और ये लक्ष्मी दल गई, लक्ष्मी बैठ करके ले सब गोपियों को पकड़ पकड़ कर ले आओ, ये मेरे पति बोला परसों आने के लिए, जोर जबरदस्ती मेरे पति को आने नहीं देते, या मेरे पति को जोर जबरदस्ती यहाँ पर रखे, पकड़ कर ले आओ उनको। और जो लक्ष्मी का जितने दल है ना वो जा करके जितने सब दूसरे पक्ष जो जगन्नाथ जी को सेवा करने वाले ललिता की गर्भ से जो जन्म हुए हैं उनको गले में है गामछा बांध करके पकड़ पकड़ कर ले आती है, ला करके लक्ष्मी को चरण में गिराती है और ये लोग माफी मांगते हैं, लक्ष्मी अब चिंता मत करो, आपका पति को हम जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, आप प्रसन्न हो जाओ, नाराज मत हो है, इसलिए प्रसन्न होकर के चले जाओ। महाप्रभु अपना गण को साथ में जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वर्भु दामोदर श्रीवास पंडित, बोले श्रीवास पंडित कौन, बोले नारद, बोले ये किसका परिकर, बोले वैकुंठ का परिकर है, ये वैकुंठ परिकर है, लेकिन स्वरूप दामोदर ये कौन है, ललिता सखी, ये है ब्रजवासी, ये ब्रजवासी वृंदावन के परिकर। जब लक्ष्मी सज धज कर जाती है ना, श्रीवास पंडित कहते क्यों स्वरूप दामोदर दी, देखो क्या हो रहा है, देखो है तुम्हारी जो वृंदावन वासी है ना इनके ऐसे तैसे हो रही है, सब कैसे आओ है ऐसे तैसे हो रही है, देखो हमारे लक्ष्मी के चरण में कैसे गिर रहे हैं, वृंदावन में क्या है, कुछ नहीं, वही यमुना नदी बह रही है, वो पेड़ बौदा लता बता कुछ है ही नहीं वहां पर, और देखो लक्ष्मी की क्या ऐश्वर्य, ठार बाड़ है, हीरे जवाहरात असरफिया मुक्ता माणिक है, कितना इनकी श्रृंगार है, है ताना मारती है स्वरूप दामोदर को। इतने में स्वरूप दामोदर कहते चुप रहो, ज्यादा बोलो मत, आपको पता नहीं वृंदावन का ऐश्वर्य, आपको पता नहीं वहां की एक लता पता में एक धूल में जो शक्ति है ना, इसलिए चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षा वृतत सुरभि रविपाल यंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेप्यमानम गोविंदं मादिपुरुषम तमहं भजामि। वृंदावन का जो ऐश्वर्य है अथा ऐश्वर्य है, वहां पर एक लता पता में इतने शक्ति कितने वैकुंठ को प्रसव कर सकते हैं, वहां का धूल नहीं चिंतामणि त्वयम मृतम पानी नहीं अमृत गमनम नाट्यम, अगर कोई चलते है ना लगता है जैसे बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं, आपको पता नहीं वृंदावन की वैभव और ऐश्वर्य, आपको पता नहीं कितने ऐश्वर्य, ज्यादा बोलो मत चुप रहो है, अभी दोनों के अंदर में लड़ाई होती है। इतने में लक्ष्मी वहां से होते हुए एक नाग चढ़ा, एक पुरी में एक गांव है उधर होते हुए अरे माँ लक्ष्मी चली आती है, लेकिन जगन्नाथ जी जब आते हैं ना है? जब धूल उड़ा करके जगन्नाथ जी आते हैं है? अपना गाजे बाजे को साथ में धूल उड़ा करके लक्ष्मी क्या करती है,
और ऊपर में जगन्नाथ मंदिर में ऊपर में एक स्थान है, चाहनी मंडप, चाहनी मंडप, लक्ष्मी वहीं पर चली जाती है। और लक्ष्मी को जा करके उनका जो सहेलियां कहती, जानती हो जगन्नाथ जी का धूल उड़ाते हुए रथ में आते है ना, धूल उड़ाते हुए हाथी घोड़ाओं के साथ में जगन्नाथ जी आ जाते हैं और लक्ष्मी को लेकर चाहनी मंडप ऊपर ले जाते हैं। लक्ष्मी ऐसे ऐसे देखती है, क्या जगन्नाथ जी आ रहे हैं कि नहीं है। लक्ष्मी ऐसे ऐसे देखती रहती है और आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं, देख करके ना पास वहां पर जगन्नाथ जी की सोना की भेष होता है। फिर उसके बाद में फिर जगन्नाथ जी जब आने का समय होता है ना, लक्ष्मी नीचे उतर करके आती है, बोले दरवाजा बंद कर, इनको घुसने नहीं दू, बंद कर दरवाजा, दरवाजा बंद कर देते। पहले श्री बलदेव प्रभु आते, दाऊ भैया, बोले ये कौन, बोले तुम्हारी जेठ है, ये तुम्हारी जेठ है। जेठ मतलब क्या है, उड़िया में क्या कहते हैं, डेढ़ो सुर, इसलिए ये जेठ है तुम्हारी। भैया बलदेव प्रभु बड़े तेजी है, बोले भैया जेठ से कोई मतलब नहीं है तो प्रणाम योग्य है, बोले जेठ के लिए दरवाजा खोल दो। लक्ष्मी प्रणाम करती, बोले और कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी ननंद आ रही है। कौन, सुभद्रा। ननंद कितना तेजी है आपको पता होगा, है, बोले तुम्हारी ननंद आ रही है। बोले भैया ननंद को प्रणाम हर समय, इसलिए इसे पंगा नहीं लेनी चाहिए, खोल दो दरवाजा। जब जगन्नाथ जी, बोले कौन आ रहे, तुम्हारी खसम आ रहे, पति आ रहे हैं, बोले दरवाजा बंद करो, हाँ झगड़ा इनको साथ में, झगड़ा इनको साथ में, झगड़ा, बोले दरवाजा बंद करो, इनको घुसने मत नहीं देना। इतने में वहां पर दो दल होता है, एक लक्ष्मी की दल और एक जगन्नाथ जी का दल है। जगन्नाथ जी दल लक्ष्मी दल में दोनों में तर्क वितर्क, तो उनके अंदर वाद विवाद संवाद उनके अंदर में होता है। लक्ष्मी कहती है कितना दिन हो गया, बोल रहे तो परसों आने के लिए कितना दिन हो गया, हो गया परसों, इतना दिन क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भैया कृष्ण छलिया है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण वो ऐसे नहीं कदर। राधा रानी का जो मान है ना, दुर्जय मान है, जो मान को मनाना इतना आसानी बात नहीं, जो राधा रानी को जो मनाने मना सकते हैं, कदर लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो प्रेम है, है इनकी प्रेम को तो, इनकी मान को तो चुटकी बजाते हुए जगन्नाथ जी मान को मना देते हैं। जगन्नाथ जी वो बड़े छलिया है, इसलिए मान का भी बहुत तरह तरह का भेद बताया है। मान का कितना भेद, द्वारका का मान कैसे, ब्रज का मान कैसे, राधा रानी का मान कैसे है। इसलिए कहते लक्ष्मी को मनाने के लिए उनको ज्यादा समय नहीं लगता है, वो जगन्नाथ जी को पता है। क्या पता है, कहते अगर जगन्नाथ जी शिक्षा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्त्री को अगर खुश करना चाहते, मनाना चाहते हैं, कहते तीन चीज उनके लिए दे दो, बस खुश हो जाएंगे। जगन्नाथ जी कब, जब कहते कितना दिन हो गया, अभी तो क्या हो रहा था, हो गया दो दिन, कितना दिन गिनो हाथ में, कितना दिन में हाथ में आ रहे हो, क्या कर रहे थे। जगन्नाथ जी कहते हैं इसमें मेरी थोड़ी दोष है, बोले दोष किसका है, बोले जब मैंने विदेश से गया है खाली हाथ से क्या आ जाऊं, तेरे लिए तो कुछ लेकर के आनी चाहिए ना, खाली हाथ से आ जाऊं तो मेरे लिए क्या लाए। बोले मैं जब विदेश गया था ना, वहां पर तुम्हारा लिए एकदम तुमको जो पसंद साड़ी है, नील साड़ी के ऊपर में सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम है, इसमें गजिया मुक्ता हीरा पन्ना दे करके बड़े सुंदर मैंने साड़ी को ऑर्डर दिया था तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए तुमको जो प्यारा गले की हार, सर का है, कान का, नाक का, करधन का, हाथ का, एकदम जयपुरी सोना कि मैंने सारे तुम्हारे प्यार से लेकर सर तक जो अलंकार मैंने ऑर्डर दिया था, अभी वो देने में अगर लेट कर दिया तो मेरे का क्या दोष बता, मैं तो जल्दी जल्दी दूसरे दिन आना ही चाह रहा था, लेकिन जिसको ऑर्डर दिया था ना वो देने में लेट कर दिया, अभी बताओ इतना दूर गया खाली हाथ से कैसे आऊं, इसे तेरी वजह से इतना दूर लेट हो गया ना। लेकिन स्त्रियों का ना ये जो दो चीज है ना, क्योंकि देखना स्त्री सबसे उनको प्यारी साड़ी दे दो, उनको खुश, उनके अलंकार ये दो चीज दे दो ना, खुश प्रसन्न, उनका मन पसंद साड़ी और अलंकार दे दो। जगन्नाथ जी को पता है ना, इसलिए उन्होंने बोले तुम्हारे लिए तो लेट हो गया, इसलिए और मैं तो जल्दी आना ही चाह रहा था, जल्दी में आना चाह रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। बोले जानते हो और क्या लाया, इतना बोलते हैं तो लक्ष्मी का जो मान था ना आधा उतर गया। बोले गए तो गए, मेरे को याद किया है और मेरे पसंद का साड़ी और मेरे लिए अलंकार लाए। बोले और क्या लाया तेरे को पता, बोले क्या लाए हो, बोले स्पेशल रसगुल्ला, स्पेशल ऑर्डर दिया था तेरे को जो पसंद है,
है तेरे पसंद लायक मैंने रसगुल्ला ऑर्डर दिया था, उस रसगुल्ला पूरा पूरा लेकर गया, एक पूरा एक हाड़ी पूरा के पूरा सुन करके लक्ष्मी का मुंह से तो पानी निकल टपकने से रोक गया। हाँ बोले गए थे गए, मेरे को याद रखा, मेरे को याद रखा। बोले ठीक है आए तो आए, ठीक दरवाजा खोल दो। इनके लिए दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोल दिया फिर लक्ष्मी जगन्नाथ जी को फिर आरती उतारती हैं। बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती कराए ललिता दी सखिया, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर की पूछा चूड़ा मैना, ललित माधव वामी वृष भानु कन्या, नीलवदना गौरी रूप गुण अनाविधालकार करी जलमाल, हरिमन विमान बदन उजोल, विशाखा दि सखी घन नाना राग गाय, प्रिय नर्म सखी जत चमर गुलाय, श्री राधा माधव पद सरस जयासे, भक्ति विनोद सखी पद सुखे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, दर्शन कर दिया हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे Thank you.
जय गौर प्रेमानंद दे हरि गौर।